नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नेहा शर्मा। वेलकम है आपका कुंडली टीवी के शो पंडित जी कहें में। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं हमारे वास्तु एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट और स्पिरिचुअल गुरु कमल नंदलाल जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नेहा जी, और दर्शकों आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। फ्रेंड्स, ये तो आपने सुना ही होगा कि जल ही जीवन है। बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जल के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव ही है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी है जब जल पीना विष के समान माना जाता है। लेकिन वो समय है कौन सा, किस समय जल को विष के समान माना जाता है, पंडित जी से लेते हैं इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज। बहुत अच्छा प्रश्न है, और आज आपको इसकी हकीकत भी बताऊंगा कि कुछ एक समय ऐसे भी होते हैं जो जल पीना विष पीने के बराबर है, और इसके पीछे आधार क्या है ज्योतिष का, ज्योतिष कहाँ रिस्पॉन्सिबल है जी। एक विष योग बन जाता है हमारी बॉडी में, और तब बनता है जब तेल और पानी इकट्ठे मिल जाते हैं जी, और इसको कहते हैं विष योग। पानी चंद्रमा है और तेल शनि। जब कभी भी कुंडली में भी, ये तो हम प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा आज कैसे है, प्रैक्टिकली भी जल शनि से चंद्रमा मिलता है तो विष योग का निर्माण हो जाता है। यानी कि तेल से अगर आप पानी मिला लीजिए, पानी क्या है, चंद्रमा जी, जो हमारी बॉडी में लगभग 80% तक है। तेल क्या है, वसा, हमारी बॉडी की चर्बी। और जब ये पानी के साथ मिल जाती है या किसी भी शोधन किया हुआ, शोधन यानी कि आप अगर तिल को घसेंगे, चलाएंगे, गर्म करेंगे तो उसमें से तेल निकलेगा जी। बादाम को भी चलाएंगे, गर्म करेंगे तो भी उसमें से तेल निकलता है। किसी भी तेलिए बीज को अगर आप घर्षण करते हैं, उसका शोधन करते हैं, उसको खींच करके या उसको मत करके उसमें से अगर तेल निकालेंगे तो वो शनि की प्रॉपर्टी है। और शनि और चंद्रमा जहां भी मिलेंगे वो विष योग बनाएंगे। अब ये कब होता है, देखिए अमूमन जितने भी जी प्रोडक्ट्स हैं जो शनि से रिलेटेड, उसके बाद में कभी भी पानी नहीं पिया जा सकता। जैसे आप मूंगफली के ऊपर अगर पानी पी लें तो आपको खांसी हो जाती है, देखा है आपने कभी जी। उसका मूलभूत कारण क्या है, क्योंकि उसके अंदर ऑयल का कंटेंट है, और ऑयल आपके गले में आ गया, और गले में अगर आपने फिर से उस समय पानी पी लिया तो 100% आपको खांसी हो जाती है, इरिटेशन जनरेट हो जाता है। तो ये तो हमारे पास के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी, कि हमारे पास हमारे ऋषि मुनियों ने एक हमें संदेश दिया है कि इस समय पानी ना पीजिए, आपके लिए हानिकारक हो जाएगा जी। जैसे मैं आपको बता दूं, आप जितना भी मक्खन ले लीजिए जी, हमेशा पानी के ऊपर तैरता है, पानी से पृथक हो जाता है। अगर आप पानी में तेल को भी डालेंगे, हालांकि पानी ज़्यादा हल्का है तेल से, लेकिन उस समय पे क्योंकि रिपेलेंट थ्योरी काम करती है, तेल ऊपर आ जाता है, पानी नीचे रह जाता है जी। यही अगर आप पानी की क्वांटिटी को तेल की क्वांटिटी से बढ़ा देंगे तो पानी ऊपर आ जाएगा, तेल नीचे आ जाएगा। अब एक चीज हमको समझनी होगी, सुननी होगी, तेल हमें या घी हमें पौष्टिकता देता है, लेकिन पानी हमारी बॉडी को रिसर्फ करता है, यानी कि साफ करता है। ऐसी स्थिति तब बहुत ज्यादा आती है जब हम इमीडिएटली खाना खाने के बाद में पानी पी लें, और स्पेशली तब जब हमारे खाने में तेल की क्वांटिटी ज़्यादा हो या घी की या बटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो, और उसके इमीडिएटली बाद अगर हम पानी पी लेते हैं तो वो बिल्कुल विष समान है जी। अब पंडित जी, बात है हमारे ग्रहों की, तो इससे क्या हमारा कोई ग्रह भी प्रभावित होता है, यानी कि हमारे जी, बिल्कुल होता है। देखिए हमारी बॉडी में एक अग्नि है जी, जिसको हम कहते हैं जठर अग्नि, जठर की यानी कि पेट की अग्नि जी, क्योंकि हमारे पेट से अम्ल निकलता है HCl के फॉर्म में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी से रिलीज होता है जी, जो उस खाने को सबसे पहले पचाने की प्रक्रिया शुरू करता है, और उससे भी पहले हमारी बॉडी में से सलाइवा निकलता है जी, इसोफेगस से, जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस में सार्थक होता है, जो खाने को नरम करता है, जो डिटॉक्सिफाई करता है खाने को जी। आपने भी देखा होगा कई लोग जख्मों पे सुबह सुबह की थूक लगा लेते हैं जी, कारण क्योंकि वो एक तरीके का एंटीसेप्टिक एजेंट है जी। अब जब आप
खाने के बाद में इमीडिएटली पानी पी लेते हैं, तो सबसे पहला प्रॉपर HCl का सिक्रीशन नहीं हो पाता जी। ना ही हमारे बाइल कंटेंट्स काम कर पाते हैं, क्योंकि ये जो डाइजेशन है ना, ये प्रोसेस बहुत सारे ग्रहों से निर्मित है। ये जो 32 दांत हैं, ये बुद्ध बनकर खाने को चबाते हैं जी। उसका काम होता है भक्षण करना, ठीक है। ये जो जिवा है, इसको अग्नि कहा गया है, ये मंगल का प्रतीक है जी। और हमारे पेट में जो अग्नि जलती है, जिसे हम जठर अग्नि कहते हैं, वो मंगल का प्रतीक है जी। जब कभी भी हम पानी पिएंगे तो मंगल कमजोर पड़ जाएगा। अगर हम तेल साथ में पानी पी लिया खाने के इमीडिएटली बाद, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल होता है तेल को पचाना जी। तेल सबसे लास्ट में पचता है। जब हम पानी पी लेते हैं तो हमारे जो बॉडी में जो इंटेस्टाइन है और जो हमारे डक है, डक जो है हमारी फूड डक जिसे हम कहते हैं, वो खाने को प्रोसेस ही नहीं कर पाएगी जी। और आपका एग्जैक्टली जो तेल है वो बॉडी में एकदम से एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, इनडाइजेशन शुरू हो जाएगा, कब्ज शुरू हो जाएगी। इसलिए खाने के कम भी 1 घंटे तक पानी पीना विष पीने समान है जी। अच्छा पंडित जी, देखा है कि खाना खाते समय कुछ लोग बीच बीच में सिप सिप करके पानी लेते हैं, वो कहाँ तक सही है? मतलब वो लेना चाहिए? वो भी तो लिक्विड ही है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। खाना खाने के कम भी 1 घंटे तक पानी पीना विष पीने समान है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो लोग खाने के बीच में पानी पीते हैं, वो सबसे बड़ी बात अपनी एज के साथ में मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वो चंद्रमा को भी खराब कर रहे हैं, मंगल को भी खराब कर रहे हैं और शनि को भी खराब कर रहे हैं जी। हमारी बॉडी नवग्रहों का एक सिस्टम है, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा जी। सबसे पहले दांत उसे चबाते हैं, जिवा उसे लबलबा बनाती है, और जो म्यूकस है बॉडी के अंदर, वो बेसिकली शुक्र है जो उसको तारता है खाने को जी। उसके बाद में उसमें अम्लीकरण जो होता है, जो एसिड मिलता है, वो भी काम जो है वो शुक्र का काम है, और हमारा स्टमक उसे मथने का काम करता है। उसके बाद जैसे ही वो डक्ट में आ जाती है, उसके बाद में बृहस्पति का काम शुरू होता है लिवर से और पैंक्रियाज से, जो उसको जलाना शुरू करते हैं, साधना शुरू करते हैं। गुरु का काम क्या है? किसी भी चीज को साधना जी। उसके बाद मंगल उसको जलाना शुरू करता है अपनी जठर अग्नि से, और उसके बाद में उसको जो चूसता है, जो उसको पूरा सत लेता है, वो लेता है सूर्य, जो उदर का स्वामी है। उसके बाद जो बॉडी में स्टूल बनना शुरू होता है जी, अलग होना शुरू होता है, रस तो अलग सोख लिया जाता है, जो स्टूल बनना शुरू होता है वो होता है राहु, और बाहर निकलने का काम रेक्टम से वो करता है केतु। तो ये नौ ग्रहों की पूरी सीरीज है जी, जो इकट्ठा काम शुरू करती है जी। इसके बीच में अगर आप पूरे सिस्टम को पानी पी करके खराब कर देते हो, कैसे खराब करते हो? सबसे पहले मंगल की अग्नि शांत कर देते हो जी, क्योंकि मंगल जो वो नीच का हो जाता है कर्क राशि के अंदर। दूसरी बात, शनि से जब कभी भी चंद्रमा मिलेगा तो विष दोष का निर्माण होगा, आप अपनी बॉडी के अंदर विष क्रिएट करना शुरू कर दोगे जी। शुक्र जरूर लाभदायक होता है, शुक्र को लाभ मिलता है। आप खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर बहुत ज्यादा पानी पियोगे, और वो भी गर्म पानी पियोगे, यानी कि मंगल को साथ ले जाओगे, गर्म पानी का मतलब होता है मंगल। अगर आप मंगल और चंद्रमा को साथ लेके जा रहे हो और गर्म पानी पी रहे हो 2 घंटे के इधर उधर, और काफी अच्छी क्वांटिटी में पी रहे हो, तो सुबह आपका खाना सही हजम होगा और आप अच्छी तरह से फ्रेश हो जाओगे जी। पंडित जी, अब बात करते हैं हम, जैसे कि देखा जाता है कि लोग फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड में वो चौमिंग्स भी खाते हैं, उसके साथ भी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, अगर वो बर्गर खाते हैं उसके साथ भी लेते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं उसके साथ भी लेते हैं, इसी तरह हमारे जो घर में हमारे बड़े होते हैं वो खाना खाते हैं तो उसके साथ लस्सी लेते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं तो उसके साथ भी लिक्विड कुछ ना कुछ लस्सी जैसे लेते हैं, लेकिन है तो ये भी लिक्विड ना? बिल्कुल। तो फिर ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल ठीक नहीं है ये भी जी। देखिए, समझना ये होगा कि हमारा वेद क्या कहता है। वेद ये कहता है कि खाने से पहले आप कुनकुना पानी अच्छा ले सकते हैं, ताकि आपकी जितने भी ग्लैंड्स हैं जी, वो सही काम करना शुरू कर दें। खाने से पहले लस्सी लेना बहुत अच्छी बात है जी, आपका जो मीडियम है पूरा वो क्षारीय हो जाएगा, अमल जो जो एसिड है वो सिक्रेट होना शुरू हो जाएगा। यही कारण है
कि अंग्रेज लोग खाने से पहले सूप पिया करते थे गरम जी। सूप कभी भी खाने के बाद नहीं पिए जाते, सूप हमेशा खाने से पहले ही पिए जाते हैं, और वो इसलिए पिए जाते हैं ताकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तैयार हो जाए खाना खाने के लिए और उसके अंदर से सिक्रीशन शुरू हो जाए जी। खाना खाते वक्त या खाना खाने के बाद में या बीच बीच में कोल्ड ड्रिंक लेना पिज़्ज़ा चाउमीन बर्गर के साथ में, ये तो वैसे भी बहुत बुरी बात है, इससे बड़ा विष तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन आजकल हाँ, समय का दौर ऐसा चला है कि लोग मजबूर हो गए हैं, या स्वाद के वजह से मजबूरी है या किसी और कारण से मजबूरी है जी, लोग फास्ट फूड पे आ गए, सच बात तो ये है, और उसके साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, चाहे वो ऑरेंज फ्लेवर्ड हो चाहे वो कोला फ्लेवर्ड हो किसी भी तरीके की जी। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी घातक चीज़ है, इससे ना ही हमारा शरीर बिगड़ रहा है, सबसे बड़ी बात होती है हमारा एजिंग फैक्टर। 30 साल के अंदर आप 50 साल की आयु के दिखाई देना शुरू हो जाएंगे जी। और ये तब होता है जब आपकी बॉडी खुद को ही डिस्ट्रॉय करने लगती है, इसी को ही विष दोष कहते हैं, इसी को ही विष योग कहते हैं जी। आपने देखा होगा कुछ लोग हैं जो लस्सी पीते हैं, सुबह के समय लस्सी पीते हैं, बहुत शुभ होती है, बहुत बढ़िया होती है, सेहत को बहुत अच्छा करती है, और उसके बाद में घी मक्खन डाल करके अच्छे से पराठे या उनका करते हैं, वहां तक ठीक है, खाने के बाद में जो लस्सी पीते हैं वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जी। तो खाने के बाद तो एटलीस्ट या खाने के बीच में कभी भी कोई भी ऐसा चीज नहीं लेनी चाहिए जो आपको प्रॉब्लम दे दे। हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे किसी को मिर्ची लग रही है या जो पानी के बगैर रह ही नहीं सकता, तो उसको जरूर ये हम कह सकते हैं कि या तो वो दूध पी ले गर्म जी, या अगर उसको बहुत ही ज्यादा बस इमरजेंसी वाली बात है, ऐसी कोई दिक्कत है, तो कुनकुना पानी ले सकता है, वो भी बहुत थोड़ा जी, ताकि इतना इफेक्ट बुरा ना हो। तो पंडित जी, जो पानी है उसको अमृत फिर से कैसे बनाया जाए, इसके लिए आप हमें क्या टिप देंगे? देखिए, विष की तो बहुत बातें कर ली हमने जी, लेकिन आज पानी को अमृत बनाने की भी आपको विधि बता देता हूँ। हमारी जठर अग्नि जी को पानी ही फिर से शुरुआत करा सकता है। वो कैसे? आप इसमें मंगल का एलिमेंट मिला दीजिए। आप गर्म पानी तांबे में, नित्य तांबे के लोटे में रख के सोएं, गर्म पानी जी, पहले अलग से भगोनी में गर्म कर लें, उसको तांबे के लोटे में डाल लें, रात भर कम से कम 8 घंटे उसे रखा रहने दें, और सुबह उठते ही झूठे मुंह कुल्ला उसी पानी से करें और उसी पानी को पी जाएं, और पूरा पानी को पी लें, तो आपकी जठर अग्नि एकदम से स्टार्ट हो जाएगी। जो आपने पूरी दिन में गंदगी खाई है वो भी डिजोल्व होती है उससे, और सारी चीज़ें कट जाती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में मंगल जो है वो फायर एक्टिवेटिंग शुरू कर देता है। तो ये सबसे बेटर तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इस अहम जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी दर्शकों को बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम रोज आपके लिए लेकर आएंगे, पंडित जी से सवाल जवाब करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले हमारा YouTube चैनल कुंडली टीवी और Facebook पेज कुंडली टीवी लाइक और शेयर करना ना भूलें।